वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र ठाकरे, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग्स। जी डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग्स में क्या होता है, बहुत सारी स्पेलिंग्स होती है, हम कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से सही कौन सी है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही है कौन सी। तो इसलिए होता है क्योंकि अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग्स की वजह से होता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट से समझाता हूँ किस तरीके से क्या होता है। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में जो अमेरिकन इंग्लिश में केवल ओ आर लगता है, ओ आर, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ओ यू आर लगता है। जी हाँ, अमेरिकन इंग्लिश में ओ आर लगता है और आपकी जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें ओ यू आर लगता है। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में आप देखेंगे लेबर, एल ए बी ओ आर होता है, लेबर, एल ए बी ओ आर, और इसी स्पेलिंग को ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं एल ए बी ओ यू आर, लेबर। कलर की स्पेलिंग दिख ली, सबसे फेमस कलर की स्पेलिंग क्या होती है, सी ओ एल ओ यू आर लिखते हैं, सी ओ एल ओ आर, ये आपका अमेरिकन इंग्लिश में हुआ। कलर की स्पेलिंग सी ओ एल ओ आर, कलर, ये आपका अमेरिकन इंग्लिश है, और ब्रिटिश में इसको लिखेंगे सी ओ एल ओ यू आर, ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश में होगा। जैसे आपका नेवर, एन ई आई जी एच बी ओ आर, एन ई आई जी एच बी ओ आर, ये अमेरिकन इंग्लिश में हो गया, और ब्रिटिश में क्या हो जाएगा, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर, ओ यू आर। अब आते हैं दूसरे पे। अब इसमें क्या होता है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, कुछ जो वर्ड होते हैं वो ओ जी पे फिनिश हो जाते हैं, ओ जी पे, लास्ट में ओ जी लगता है, लेकिन वो ही स्पेलिंग में ब्रिटिश इंग्लिश में ओ जी यू ई लगता है, ओ जी यू ई। जैसे ले लेते हैं अमेरिकन से डायलॉग, डी आई ए एल ओ जी, ओ जी, डी डायलॉग, डी ए डी आई ए एल ओ जी। अगर इसको ब्रिटिश इंग्लिश में लिखें कैसे लिखेंगे, डी आई ए एल ओ जी यू ई, जी यू ई। तो भैया दोनों ही सही है, डी आई ए एल ओ जी आपकी अमेरिकन में होगी, डी आई ए एल ओ जी यू ई ये आपकी ब्रिटिश इंग्लिश में होगी। जैसे कैटलॉग, सी कैटलॉग, सी ए टी ए एल ओ जी, कैटलॉग। अब इसको अमेरिकन में कैसे लिखेंगे, सी ए टी ए एल ओ जी यू ई। भैया ये आपका खत्म होता है ओ जी पे, ये यू ई और ऐड कर देते हैं ब्रिटिश। जी हाँ, अब आते हैं अगले रूल्स पे, देख लेते हैं कुछ अगला डिफरेंस। अमेरिकन इंग्लिश वर्ड में अगर लास्ट में डबल एल नहीं लिखाते, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में डबल लिखते हैं, एल आपका डबल हो जाता है। जैसे ट्रेवलर, टी आर ए वी ई एल ई आर, ट्रेवलर। तो अगर इसमें लिखेंगे क्या होगा, ब्रिटिश शब्द में लिखेंगे तो टी आर ए वी डबल एल ई आर, डबल एल। इसमें क्या होता है, आपका जो अमेरिकन जो होते हैं वो डबल एल नहीं लिखते, लेकिन ब्रिटिश डबल एल लिखते हैं, ट्रेवलर, टी आर ए वी ई वी ई एल ई आर, तो ये अमेरिकन, और डबल एल आ गया तो टी आर ए वी ई डबल एल ई आर, ये आपकी ब्रिटिश है। आई आते हैं अगले पे। बहुत सारी जो वर्ड्स वो होती हैं जिनमें अमेरिकन इंग्लिश में लास्ट में आई जेड ई आता है, आई जेड ई, और जो ब्रिटिश और इंग्लिश होता है वो लोग आई एस ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई एस ई। हालांकि और ये आई एस ई भी लिखते हैं और आई जेड ई दोनों ही लिखते हैं, लेकिन अमेरिकन आई जेड ई लिखते हैं। जैसे हम आते हैं रिलाइज, आपका याद है एनालाइज, एनालाइज, तो ए एन ए एल वाई जेड ई, ए एन ए एल वाई जेड ई, एनालाइज, और ये लोग क्या लिखेंगे, ब्रिटिश जो लिखते हैं ए एन ए एल वाई एस एस, एनालाइज, क्या आ जाएगा, एस ई, एनालाइज में आ जाएगा, या फिर रिलाइज, देखो रिलाइज, जैसे रिलाइज आर ई एल आई जेड ई, रिलाइज, और ये लिखते हैं आर ई एल आई एस, ब्रिटिश क्या लिखते हैं, एस ई, और ये लिखते हैं जेड ई, और अमेरिकन ब्रिटिश में से दोनों भी लिख सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आपके लास्ट में ई आर रहता है, टी ई आर, टी आर, और जो जो आपके ब्रिटिशर होते हैं वो टी आर ई लिखते हैं। जी अमेरिकन लिखते हैं टी ई आर और ब्रिटिशर लिखते हैं टी आर ई। जैसे भाई साहब बहुत कंफ्यूज होता है मीटर में, मीटर की स्पेलिंग अगर अमेरिकन लिखे क्या लिखेंगे, एम ई टी ई आर, एम ई टी ई आर, लेकिन जो ब्रिटिशर है वो लिखेंगे एम ई टी आर ई, एम ई टी आर ई। थिएटर, थिएटर की स्पेलिंग क्या होती है, टी एच ई ए टी ई आर, टी ई आर तो अमेरिकन, और टी आर ई तो ब्रिटिशर, टी एच ई ए टी आर ई, टी एच ई ए टी आर ई, थिएटर, ये अब क्या हो गई, ब्रिटिशर हो गई। सेंटर की स्पेलिंग देख लीजिए आप, सी ई एन टी ई आर, सी एन टी आर, तो सेंटर ये आपकी अमेरिकन हो गई। अगर इसी में आप सी ई एन टी आर ई लिख दो, टी आर ई, तो आपकी क्या हो जाएगी, ब्रिटिशर हो जाएगी। भैया समझ में आया ये।
तो आपने देखा किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं भैया अमेरिकन और ब्रिटिशर, हम दोनों में परेशानी कौन सी लेके, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में आपकी ब्रिटिश इंग्लिश ही प्रचलित है, सबसे ज्यादा ब्रिटिश लैंग्वेज का यूज होता है क्योंकि ब्रिटिशर ही आते। तो भैया आप फॉर्मल में जब भी लिखें तो आपको ब्रिटिश लिखना है, अगर इनफॉर्मल में जरूर आप अमेरिकन लिख सकते हैं, लेकिन आजकल आपको बताते हैं अमेरिकन का ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन स्पीकिंग में हो रहा है, रिटर्न में राइटिंग में आपका ब्रिटिश इंग्लिश का ही यूज होता है। तो स्पेलिंग का ध्यान रखें, यहाँ पे ब्रिटिश की इंग्लिश की स्पेलिंग लिखे, बोल रहे अमेरिकन इंग्लिश लेके ब्रिटिशर, अब बाकी आप कैसे मेंटेन करते हैं वो आप ही जानते हो, हम इंडियन से मेंटेन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस और बता देता हूँ, अमेरिकन जैसे आपकी टायर की स्पेलिंग है TIRE, और ब्रिटिश लिखते हैं TYRE। प्रोग्राम की स्पेलिंग क्या होती है PRO, अमेरिकन इंग्लिश में PROGRAM, प्रोग्राम, और ब्रिटिश लिखते हैं PROGRAMME, और ये लोग लिखते हैं आपका ज्वेलरी, ज्वेलरी की स्पेलिंग लिखेंगे JEWELRY, अमेरिकन, ब्रिटिश लिखते हैं JEWELLERY। जी हाँ, तो ये डिफरेंस होता है, अमेरिकन प्रोवाइड वो आपका बहुत कम वो हटा देते हैं और इग्नोर करते हैं भैया डबल चीजों को, जो बोलते हैं वही लिखते हैं अमेरिकन, जो बोलते हैं वही लिखते हैं अमेरिकन, जो बोलते हैं वही लिखते हैं, लेकिन ब्रिटिश जो बोलते हैं वो नहीं लिखते यार। तो इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, तो इसमें थोड़ा आप इस रूल को ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर कभी भी ऐसे कंफ्यूजन वाली सिचुएशन तो समझ लेना अमेरिकन और ब्रिटिशर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे आपको बहुत सारी शानदार शानदार चीजें मैं आपको लेके आने वाला हूँ।